नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। आज हल्ला बोल में खास टॉपिक अस्पतालों की व्यवस्था को लेकर है, क्योंकि आए दिन अस्पतालों की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो कई सवाल ना जाने खड़े कर देती है, चाहे मामला सफाई को लेकर हो, इलाज को लेकर हो, या फिर डॉक्टर्स की कमी को लेकर हो। हर परिस्थिति में कई सरकारी अस्पतालों पर सवाल उठते ही आए हैं। ताजा मामला झज्जर से सामने आया है, जहां के सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी होने के चलते मरीजों को इलाज करवाने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल आए कई मरीजों का कहना है कि वो पिछले एक महीने से कई बार अस्पताल के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन डॉक्टर्स की कमी होने के चलते उनका इलाज सही ढंग से नहीं हो पा रहा। आज इसी विषय पर हम हल्ला बोलेंगे। सवाल ऐसे में उठता है कि आखिरकार कब तक सरकारी अस्पताल की स्थिति में सुधार हो सकेगा। न जाने कितने सवाल ऐसे हैं जो आपके जहन में भी उठ रहे होंगे कि डॉक्टर्स की कमी है तो आखिरकार इलाज कैसे होगा। तो फोन लाइन हमारी खुल चुकी हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इस खास विषय को लेकर हल्ला बोल सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बिल्कुल चरमरा गई है। सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार कब तक अस्पताल की हालत जर्जर रहेगी, कब तक डॉक्टर्स की कमी से जूझते रहेंगे अस्पताल। सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं तो कहां जाए आखिरकार मरीज। अस्पतालों की खराब व्यवस्था का जिम्मेदार कौन? क्या आपके आसपास के अस्पतालों की व्यवस्था खराब है? तो सवाल ना जाने कितने उठ रहे हैं, आपके भी जहन में उठ रहे होंगे। तो इन तमाम सवालों का जवाब हम जानना चाहते हैं, तो जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए, कॉल कीजिए, हमें अपनी राय दीजिए, हल्ला बोलिए उस अन्याय के खिलाफ जो आपके प्रदेश में हो रहा है, आपके आसपास के इलाके में हो रहा है। तो आज इसी विषय को लेकर हम हल्ला बोलने वाले हैं। फोन लाइन हमारी खुल चुकी हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं 0124-4829-011-12-1314। इन नंबर्स पर आप हमें आसानी से कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो अन्याय हमारे प्रदेश में हो रहा है उसके खिलाफ आप हल्ला बोल सकते हैं, आखिरकार मरीजों को इलाज सही ढंग से क्यों नहीं मिल पा रहा। तो हल्ला बोल में अपनी राय दीजिए। जर्जर हालत में सरकारी अस्पताल पहुंच गया है। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप खुद समझ गए होंगे कि मरीज जो हैं वो कितने ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। क्या इन तमाम मरीजों को सही से इलाज नहीं मिलना चाहिए? आपको क्या लगता है कि आखिरकार जो तमाम मरीज परेशान बैठे हैं, कब तक ऐसे परेशान बैठे रहेंगे, कब तक डॉक्टर्स की कमी से जूझते ये अस्पताल रहेंगे? सवाल ये भी उठता है, अस्पतालों की खराब व्यवस्था का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? सवाल ऐसे में सबसे बड़ा यही उठता है कि इन सबका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि मरीजों को लगातार खासा परेशानी हो रही है। एक मरीज ने तो यहां तक ये भी बताया कि वो लगातार पूरे एक महीने से चक्कर काट रहा है, उसे चक्कर पर चक्कर कटवाई जा रही है, लेकिन उसकी परेशानी बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही। तो ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि जो मरीज पूरे एक महीने भर से चक्कर काट रहा है, तो उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? इन सब की सुनवाई कब होगी? प्रशासन जो है वो चुप क्यों बैठा है? क्या आपके आसपास के अस्पतालों की स्थिति भी ऐसी है? क्या वहां की हालत भी ऐसी है? अगर वहां की हालत ऐसी है तो आप भी हल्ला बोल सकते हैं। डॉक्टर्स की कमी कैसे पूरी की जाएगी, कैसे होगा इलाज अगर काफी समय तक मरीज यूं ही इलाज कर के लिए भटकते रहेंगे दर दर, तो उनका इलाज कौन करेगा? सवाल यह भी उठता है। तो आज हल्ला बोल में हमने यही टॉपिक इसीलिए उठाया है ताकि अस्पताल की व्यवस्था सुधर सके। जो सिस्टम है अस्पताल का, उस सिस्टम में सुधार किया जा सके, क्योंकि जो जर्जर हालत है वो अस्पताल की देखी जा रही है। मरीज जो हैं वो भी ना जाने कितने परेशान बैठे हैं। एक तरफ तो भीषण गर्मी है, दूसरी तरफ इन मरीजों की परेशानी, आखिरकार इनकी सुनवाई कौन करेगा? तो हल्ला बोल में हमने इसीलिए ही मुद्दा उठाया है ताकि अस्पताल की जो व्यवस्था चरमरा गई है उस व्यवस्था को ठीक किया जा सके। जो स्थिति अस्पताल की देखी जा रही है इस भीषण गर्मी में, यूं देखिए आप कि अस्पताल में शायद पंखे भी नहीं हैं, तो मरीजों को ना जाने कितनी दफा परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा।
तो अस्पताल की खराब व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? डॉक्टर्स की जो कमी है उनको पूरा कौन करेगा? इलाज आखिरकार कैसे होगा? कब तक अस्पताल की हालत जर्जर यूं ही चलती रहेगी? कब तक डॉक्टर्स की कमी से ये अस्पताल जूझते रहेंगे? क्योंकि एक महीने से ना जाने कितने मरीज ऐसे हैं जो अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं, तो ऐसा कब तक चलता रहेगा? सवाल ये भी उठता है, ऐसे में सवाल ना जाने कितने उठते हैं, क्योंकि जो व्यवस्था है वो बिल्कुल हाल बेहाल हो चुकी है। हल्ला बोलिए आप। मैम, हॉस्पिटल में सच में बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। इनफैक्ट लाइटों की छोड़िए, बहुत टाइम क्या होता है, जैसे एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया था एंड ही हॉस्पिटल, उसे बार बार कभी वहां से वहां, वहां से वहां, वहां चले जाइए, वहां पे होगा, वहां चले, वहां सब देख रहे हैं, पर नो वन हेल्पिंग, और कोई कुछ नहीं कर रहा है। एटलीस्ट फर्स्ट एड तो दे दो, एटलीस्ट जो उसकी ब्लीडिंग हो रही है वो तो रुक जाए, आप हॉस्पिटल के निरीक्षण करवाते रहना, पर उस टाइम भी नहीं, वहां पे जाइए, ये प्रोसेस पूरा कीजिए, यहाँ पे खड़े हो जाइए, इतना किया जा रहा था कि तब तक तो बंदा बेहोश हो गया। और डॉक्टर्स तो सच में कोई भी टाइम पे रहते नहीं है, दे वर बिजी इन टॉकिंग विद देयर कलीग्स एंड ऑल, वो लोग हमेशा ही बिजी रहते हैं अपने कलीग से बात करने में, उनको बोलो तो फिर आप उल्टा वही आपको सुना देंगे। और फिर लोग भी नहीं इस वजह से बोलते हैं, क्योंकि सोचते हैं डॉक्टर है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जस्ट सपोज हमारी बीमारी का इलाज कर रहा है, उसने खुंदक में कुछ कर दिया, कुछ गलत दवाई हुआ है, तो फिर हमारा ही नुकसान है। इस वजह से उनको कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। और ये भी है कि उनकी भी इतनी भी गलती नहीं है, क्योंकि बाकी प्रशासन भी इस पे ध्यान देती नहीं है, और बहुत टाइम जैसे लाइट वगैरह नहीं है, पंखे वगैरह नहीं है, तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है, ये भी तो लगाया जाए। अभी जैसे फतेहाबाद वहाँ पे अभी NHM धरना दे रही है, तो हाँ मानते हैं उनकी मांगे शायद इम्पोर्टेंट होंगी, है भी, इनफैक्ट उनकी मांगों को पूरा किया जाना चाहिए, लेकिन जिसकी वजह से जो धरना दी जा रही है मैम, उसकी वजह से ये एम्बुलेंस रुकी पड़ी है, वहाँ के मरीज कहाँ जाए, वो तो धरने पे बैठे हैं, तो वहाँ पे किसी को कुछ होगा तो वो कहाँ जाए। हाँ आप अपने मांगे रखिए, लेकिन साथ में फिर जो लोग नीडी पीपल हैं उन लोगों की भी तो सेवा कीजिए। सबके सब धरने पे बैठ गए तो फिर उन लोगों का क्या होगा, जो लोग बीमार पड़ेंगे या फिर कोई एक्सीडेंट, उनका केस जो आता है वो कहाँ पे जाएगा? दो दो दिन से इनफैक्ट धरना लगातार। बिल्कुल निशांत, अब जरूरत है यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, या फिर यूं कहें कि डॉक्टर्स की जो कमी है उनको पूरा किया जा सके, इसीलिए हमने ये मुद्दा उठाया है ताकि जो सिस्टम है वो सुधर सके। बहुत शुक्रिया निशांत हल्ला बोलने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी जुड़ सकते हैं, तो तमाम कॉलर्स हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं, तो आप भी जुड़िए, देर मत कीजिए बिल्कुल भी, अपना फोन उठाइए जल्दी से, कॉल कीजिए हमें 01244829011112134। इन नंबर्स पर आप हमें आसानी से कॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो प्रेम जुड़े हैं चेन्नई से, बोलिए प्रेम, हल्ला बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, भारतवर्ष में सरकार वर्ड बहुत खराब हो गया है, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, कोई भी चीज आप सच में देखा जाए तो सरकारी अस्पतालों में क्यों नहीं इलाज हो पाता है अच्छा? क्योंकि वहाँ पे गरीब तबके के आदमी जाते हैं, और जहाँ डॉक्टर है वहाँ पे डॉक्टरों की कोई सुध-बुध नहीं लेता है, डॉक्टरों को कुछ भी इनकम का जरिया नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटलों में देखिए लाइन लगी है, इलाज हो रहा है, सब भाग के जाते हैं। सबसे बड़े बेशर्मी की बात तो यह है कि हमारा एक भी देश का नेता या सेलिब्रिटी या पैसे वाला आदमी सरकारी अस्पतालों में नहीं जाता है। अगर देश में कानून बना दिया जाए कि जितने हमारे माननीय लोग हैं और उनके बच्चे हैं या बड़े आदमी हैं, वो सरकारी हॉस्पिटलों में ही इलाज कराएंगे और कहीं नहीं कराएंगे, अगर कंपल्सन कर दिया जाए, क्योंकि उनको उनको बड़े हॉस्पिटलों में सहूलियत मिलती है और उनके पास पैसे होते हैं तो वो वहां जाते हैं, लेकिन उनको कह दिया जाए कि आप इनके सिवाय और कहीं नहीं जाएंगे। आज देखिए दुनिया भर में हमारे हॉस्पिटल बहुत बढ़िया बन जाएंगे। आप आइए साउथ में, हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे बड़े आदमी इलाज कराने साउथ में जाते हैं। यहाँ पे हरियाणा में, पंजाब में, आप यहाँ पे देखिए हॉस्पिटलों की अवस्था क्या है, स्कूलों की अवस्था क्या है, सरकारी स्कूलों की बात कह रहा हूँ, सरकारी अस्पतालों की अवस्था क्या है, क्यों है ये? इस कारण से है कि यहाँ एक भी आदमी नहीं जाता है, सारे एम्स में भागते हैं, सारे बॉम्बे भागते हैं, सारे दिल्ली भागते हैं। क्यों भागते हैं ये लोग? इनके पास पैसे हैं। आज देखिए ना, हमारे जितने नेता घूमते हैं उनके पीछे तीन तीन एम्बुलेंस लगी रहती है, जो कोई काम नहीं आती है, क्या बात है मैम? उनके घरों में जाके डॉक्टर इलाज करते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों की टीम आ जाती है, बड़े डॉक्टर से जाके ये लोग फॉरन में इलाज कराते हैं। आज डॉक्टरी डॉक्टर के लिए बच्चे पढ़ने के लिए फॉरन जाते हैं, बच्चे हमारे भारतवर्ष के वहां पढ़ने, क्योंकि यहाँ शिक्षा भी ठीक है। ठीक है प्रेम, ठीक है प्रेम, जगह नहीं दी जाती। प्रेम आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर सिर्फ एक आम नागरिक ही जाता है
तो चलिए प्रेम, बहुत शुक्रिया हल्ला बोलने के लिए। तो आप भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि तमाम कॉलर्स जो हैं, जो तमाम दर्शक हैं, वो इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। तो आप भी बनिए, देर मत कीजिए, कॉल कीजिए हमें, इस खास विषय को लेकर आप हल्ला बोल सकते हैं, क्योंकि अब वक्त हो चला है हल्ला बोलने का, उस अन्याय के खिलाफ हल्ला बोलने का जो आपके प्रदेश में हो रहा है, आपके आसपास जो हालात पैदा हो गए हैं उसके खिलाफ हम हल्ला बोल रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख लीजिए कि किस तरह से जो मरीज है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। इन्हें देखकर साफ तौर पर यही लग रहा है कि अस्पताल में शायद पंखे भी नहीं होंगे, अगर पंखे हैं भी तो वो चल नहीं रहे हैं। तो व्यवस्था का जो हाल बेहाल है वो आखिरकार सही कैसे होगा, सिस्टम जो है वो सही कैसे होगा। तो आज वक्त हो चला है हल्ला बोलने का, ताकि जो सिस्टम बिगड़ गया है उस सिस्टम को ठीक किया जा सके। ये जो आवाज है आपकी, वो आवाज सरकार तक पहुंचे, प्रशासन तक पहुंचे, इसके लिए आपको इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना होगा। तो जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए, कॉल कीजिए हमें 01244829011213 14। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ इस खास विषय को लेकर आप हल्ला भी बोल सकते हैं। तो आखिरकार सवाल ये भी उठता है कि मरीजों को सही ढंग से इलाज क्यों नहीं मिल पा रहा, ये बेबस, ये लाचार जो लोग हैं, इनकी आखिरकार क्यों नहीं सुनी जा रही। तो हल्ला बोल में हल्ला बोलिए कि डॉक्टर्स की कमी कैसे इलाज होगा, कि अगर यहां पर डॉक्टर्स ही नहीं है अस्पतालों में तो आखिरकार जो आम जनता है उसका इलाज कैसे होगा, मरीजों को इलाज क्यों नहीं मिल पा रहा, अस्पतालों की खराब व्यवस्था का जिम्मेदार आखिरकार कौन है, सवाल यह भी उठता है। आपके आसपास के अस्पतालों की व्यवस्था कैसी है, ना जाने कितने ऐसे अस्पताल हैं जहां पर ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, ऐसी हालत देखने को मिलती है। आज सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये व्यवस्था कब तक चरमराई रहेगी। तो एक कॉलर जुड़े हैं, राम बोलिए, राम हल्ला बोलिए। साधना जी नमस्कार। नमस्कार, आखिर मैं ये बताना चाहता हूँ इसका जवाबदार कौन है, जिम्मेवार कौन है। चौक चौराहा होता है, गलियों में कूड़े के ढेर लग गए हुए हैं, गंदगी भरी हुई है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, जो आपकी मूक तस्वीरें दिखा रहे हैं ये भी सच्चाई है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? कारण आपने कल घोषणा की थी, मनोहर लाल खट्टर जी ने बहुत बड़ी घोषणा करी, 25,000 सब्सिडी गाय के ऊपर। आप गायों की सब्सिडी दो, गायों की कीमत बढ़ाओ, उनकी कमीशन कहो, भ्रष्टाचार को बढ़ाओ। आप गाय के नाम पे वोट दो, मंदिर के नाम पे वोट दो, नफरत के नाम पे वोट दो, इसका जवाबदार हम खुद है, ये जनता जवाबदार है। जब आप काम के ऊपर वोट ही नहीं दे रहे, ये पेट है, ये रोटी मांगता है, और ये स्वस्थ रहेगा जब पेट में रोटी हजम होगी, स्वस्थ नहीं होगा तो रोटी भी हजम नहीं होगी, और ये बना भी नहीं पाएंगे, अपना हॉस्पिटल भी नहीं बना पाएंगे। मंदिर रोटी नहीं देगा आपको, गाय पालो लेकिन सड़कों पे छोड़ के पालोगे क्या, गंदगी खिलाने के लिए पालोगे क्या? इन चीजों पर ध्यान दे जनता, तब तो हो सकता है, वरना आप ये सोचो कि भाई हमारा देश का उद्धार हो जाएगा, देश को आप एक पाताल में लेके जा रहे हैं, मैं दावे से कह रहा हूँ आपको, लेकिन समय लगेगा। ये यही लोग कहेंगे हमने बहुत बड़ी गलती करी है, परमात्मा एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, एक दूसरे की रक्षा करने के लिए, किसी के साथ अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। धन्यवाद। ठीक है राम, बहुत शुक्रिया हल्ला बोलने के लिए। तो आप भी हल्ला बोल सकते हैं, तमाम जो दर्शक है वो हल्ला बोल भी रहे हैं। अगर आप अपनी राय रखना चाहते हैं तो आप जल्दी से कॉल कीजिए हमें। तो एक कॉलर जुड़े हैं, एक दर्शक जुड़े हैं जिनका नाम है अश्वन, बोलिए अश्वन जी हल्ला बोलिए। डॉक्टरों से जाके हम मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवाना चाहते हैं, और एक्चुअली में बीमार है, ये सिर्फ फर्जी तौर पे ही काम करते हैं, और जाके जो मतलब जो मेरी चंडीगढ़ से रिपोर्ट आ रही है वो कागज दिखाओ जी, देखो मेरे फ्रीज में नसों की फॉल्ट है, ये इसकी रिपोर्ट बनानी है। तो ये चाहते हैं कि भी कुछ ना कुछ इससे मिलना चाहिए, इस डॉक्टर दूसरे में भेजेगा, तीसरे में भेजेगा, तीनों मिलके एक ही रिपोर्ट बनाते हैं, जबकि मेरे नसों की ब्लॉकेज है।
काम से चला नहीं जाता, पैर से चला नहीं जाता, 60-61 साल की उम्र होगी। सर्टिफिकेट बनवाने के लिए गया, इन्होंने सर्टिफिकेट बनाने से मना कर दिया, अगर आप बिल्कुल ठीक है। मेरे पास कम से कम भी 30 एक्सरे, MRI, CT स्कैन कुछ भी देखने के लिए कागजों को दूर भगाते, कहते हम नहीं इसको देखते, पैन मार के देखते, कहते जी आपको ठीक है, बस शरीर पे पैन चुभ होते हैं, बस जल्दी से पैसे दे दो, इनको काम को हो जाएगा, नहीं नहीं जी। ठीक है अश्वन जी, बहुत शुक्रिया मौजूदा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया हल्ला बोलने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, तो जल्दी से कॉल कीजिए हमें, हल्ला बोलिए उस खास विषय को लेकर जो हमने आज उठाया है। तो देर मत कीजिए, क्योंकि अब वक्त हो चला है हल्ला बोलने का। आखिरकार कब तक डॉक्टर्स की कमी से जो मरीज हैं वो जूझते रहेंगे, आखिरकार सुनवाई कब होगी, इन सबका जिम्मेदार कौन है, इस सवाल का जवाब हम भी जानना चाहते हैं कि अस्पतालों की जो व्यवस्था है वो चरमरा गई है, वो आखिरकार सही कैसे होगी, आखिरकार वक्त कितना लगेगा, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है, तो मरीजों का इलाज आखिरकार कैसे होगा, कब तक अस्पतालों की हालत यूं ही जर्जर रहेगी, सवाल ये भी, कब तक डॉक्टरों की कमी से जूझते रहेंगे अस्पताल, सवाल ये भी, अस्पतालों की खराब व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है, सवाल ये भी उठता है। आपके आसपास के अस्पतालों की व्यवस्था कैसी है, ना जाने कितने ऐसे अस्पताल हैं जिनकी हालत हम ऐसी देखते आए हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी सकते हैं कि कितने परेशान है ये मरीज। तो एक कॉलर जुड़े हैं, एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, रमेश बोलिए, रमेश हल्ला बोलिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, ऐसा है हॉस्पिटल में जाओ ना तो कोई केयर नहीं है सरकारी हॉस्पिटल में, इतनी परेशानी होती है, और जब ये पर्ची कटवाते हैं तो लाइन में लगा लगा के लाइन में खड़े रहते हैं, लाइन में इतना बुरा हाल है कि 3-3 घंटे तक नंबर नहीं आता लाइन में। और जैसे ये ऑनलाइन करते हैं ना, मैं तो कहता हूँ 5-10 रुपए लेते हैं, तो ऑनलाइन से पर्ची काट रही है, सबसे बढ़िया है। लोग इतने परेशान होते हैं जी, गर्मी में परेशान होते हैं, 3-3 घंटे तक नंबर नहीं आता, हालत खराब हो जाती है वहाँ। ठीक है रमेश, बहुत शुक्रिया हल्ला बोलने के लिए। तो हमारे अगले कॉलर हैं जय भगवान, बोलिए जय भगवान जी, हल्ला बोलिए। हाँ जी, टीवी देख रहे थे तो उस समय मतलब ये एहसास हुआ जी, मतलब मरीज कितने परेशान हैं। बिल्कुल। तो जी ऐसा मतलब सरकार को सही है नहीं, भाई मरीज हैं उनके जो परिजन हैं ऐसे मतलब दिक्कतबाजी में आए। तो जी कुल मिला के हमारे जहाँ तक सोच है वहाँ तक ऐसी सोच है जी, मतलब जब तक ये बीजेपी सरकार रहेगी तब तक ऐसी व्यवस्था रहेगी। तो आप ऐसा क्यों मानते हैं कि सरकार चेंज हो जाएगी तो यहाँ पर ये स्थिति सुधर जाएगी, ऐसा क्यों मानते हैं आप? ऐसा हम इसलिए मानते हैं जी कि सरकार ने तो कड़े कानून बनाए हैं ना, कानून तो बनाए हैं जी, लेकिन उनको अमल नहीं हो रहा है पूरा उन पर। इनकी सोच जी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। तो उस अंतर के दौरान ऐसे ही मतलब पब्लिक की मतलब दिक्कतें बढ़ती जा रही है। ठीक है जय भगवान जी, आप लेकिन सरकार को आप दोष मत दीजिए, क्योंकि सरकार ने तो कड़े कानून बनाए हैं, आगे जो प्रशासन है वो लापरवाही बरत रहा है। बहुत शुक्रिया हल्ला बोलने के लिए। तो आप भी हल्ला बोल सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, अपनी आवाज को आप भी बुलंद कर सकते हैं, उस अन्याय के खिलाफ आप भी हल्ला बोल सकते हैं जो आपके प्रदेश में हो रहा है। क्या आप भी चाहते हैं कि इसके खिलाफ एक कड़ा कानून बनाया जाए, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है, इलाज नहीं मिल पा रहा मरीजों को सही ढंग से, आखिरकार ये जो तमाम मरीज हैं कब तक परेशान होते रहेंगे, एक तरफ तो भीषण गर्मी है, दूसरी तरफ ये चरमराई हुई व्यवस्था देखने को मिल रही है, ना जाने कितने मरीज ऐसे हैं जो परेशान बैठे हैं। एक मरीज ने तो ये भी बताया कि वो ना जाने कितने दिनों से अस्पताल के चक्कर काट रहा है, एक मरीज ने यह भी बताया कि वो महीने भर से लगातार अस्पताल के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही,
कोई भी इलाज उसका ढंग से नहीं हुआ है। तो इस चरमराई हुई व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है, खराब व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? आखिरकार कब तक ऐसी व्यवस्था रहेगी, जो हालत है वो कब सुधरेगी? तो हल्ला बोल में आज हमने इसीलिए ही मुद्दा उठाया है ताकि एक कड़े कानून बनाए जा सके। अगर यहां पर प्रशासन चुप है तो वो क्यों चुप है? एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, एक दर्शक जुड़े हैं जिनका नाम है अश्विनी शर्मा। बोलिए अश्विनी जी, हल्ला बोलिए। ये शासन तो इतना है, प्रशासन के बारे में बहुत फर्क है। जो ये गवर्नमेंट मुलाजम है, इस सरकार को समझते ही नहीं कुछ भी। ऐसे अजी, जो ये सरकार है ना, इस सरकार को मुलाजम बिल्कुल भी कुछ नहीं समझता। तो इसके लिए मैं ये सुनाना चाह रहा था, आज भी जैसे भी कोई भी काम कराने के लिए कहीं भी चला जाओ, किसी भी दफ्तर में जाओ, तो कोई काम नहीं होगा। और इन सरकार से किसी से फोन भी करवा ले, इसकी कोई सुनवाई नहीं होती। मैंने ये कहीं, आप ऐसा क्यों मानते हैं कि किसी भी दफ्तर में चले जाएं तो कोई सुनवाई नहीं होगी? कुछ भी नहीं पूछते जी इस सरकार को। तो ये कोई सा भी मुलाजम जाएगा, चाहे तहसीलदार का करवा ले, चाहे तो डॉक्टर, किसी पे भी कोई कुछ नहीं है। मैंने कई दफा आजमा लिया। तो आपके साथ कई ऐसे मामले हुए हैं? कई मामले हुए। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया हल्ला बोलने के लिए, अपनी राय रखने के लिए बहुत शुक्रिया अश्विनी जी। तो तमाम जो दर्शक है वो हमारे इस खास कार्यक्रम को देख भी रहे हैं। एक दर्शक ने तो ये भी बताया कि वो ये खास कार्यक्रम देख रहा था, तब उसने सोचा कि वो अपनी राय दे। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं आप हमें भी 0124-482-9011-21314। इन नंबर्स पर आप हमें आसानी से कॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप भी हमारे इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए, क्योंकि वक्त बिल्कुल कम रह गया है। कहीं ये ना हो कि आप अपनी आवाज को बुलंद ना कर सके। तो जल्दी से आप हमें कॉल कीजिए। डॉक्टर्स की कमी, आखिरकार इलाज कैसे होगा, कब तक अस्पताल की हालत जर्जर रहेगी, मरीजों को ना जाने कितनी बार परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, सवाल ये भी उठता है। ना जाने कितने मरीज ऐसे हैं जो परेशान हो रहे हैं। तो एक दर्शक जुड़े हैं, स्वामी जी जुड़े हैं। बोलिए स्वामी जी, हल्ला बोलिए। मैम, ये अस्पताल तो अभी तो नहीं सुधरने वाली, क्योंकि सरकार भी कितना ही करेगी। सब बोलते हैं कि सरकार की गलती है, प्रशासन की गलती है, सरकार भी कितना करेगी, सरकार तो कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल, दोष तो है ना, हर कोई कभी किसी पर मंड देता है, तो दोष कभी किसी पर मंड दिया जाता है तो कभी किसी पर मंड दिया जाता है, तो कभी वो बोलते हैं कि अस्पताल के प्रशासन की कमी है, कभी ये बोल दिया जाता है कि सरकार की कमी है। लेकिन इस बीच यहाँ पर एक कड़ा कानून बनाया जाए। और डॉक्टर की गलती कोई नहीं बताता, क्योंकि डॉक्टर मरीज जो जाते हैं इलाज करवाने, तो जो बाबा टाइम जाता है तो डॉक्टर देता है ना, सरकार तो नहीं आती है देने के लिए टाइम, सरकार तो नहीं बोलती है। वो जो लापरवाही किया जाता है वो तो कुछ सरकार करते हैं। और रही सफाई की बात, तो मैम ऑलरेडी सरकार तो हर हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी दे रखे हैं, अब वो कर्मचारी ही नहीं आते हैं तो इसमें तो उनकी गलती है। हाँ, इसमें सख्त कानून बनाया जाए। इनफैक्ट तो बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल में तो ये भी किया जाता है कि वहाँ पे मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है, एक दो मेडिसिन दे दी जाती है और बोली जाती है कि बाहर में जो मेडिसिन मेडिकल शॉप है आप वहाँ से ले लीजिए, क्योंकि वहाँ से उन लोगों का सेटिंग रहता है, वहाँ से ज्यादा पैसे में लेते हैं या फिर उन्हें जो हॉस्पिटल वालों को उनके पैसे मिलते हैं। तो अक्सर ये चीजें होती है मैम। ठीक है स्वामी जी, बहुत शुक्रिया हल्ला बोलने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो हरिद्वार से स्वामी जी जुड़े थे हमारे साथ, उनका ये कहना है कि आरोप जो प्रत्यारोप है वो लगातार लगाए जाते हैं, लेकिन खुद की जिम्मेदारी क्या है वो कोई समझना नहीं चाहता। तो हल्ला बोल में आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कब तक अस्पताल की हालत जर्जर रहेगी, स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बेहाल कब तक रहेगा, कब तक डॉक्टर्स की कमी से जूझते रहेंगे अस्पताल, अस्पतालों की खराब व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है, आपके आसपास के अस्पतालों की व्यवस्था कैसी है वो भी आप बता सकते हैं। तो हल्ला बोल में आज हल्ला बोलने का वक्त हो चला है, जल्दी से कॉल कर हमें अपनी राय दीजिए, क्योंकि वक्त बिल्कुल कम रह गया है। हमने इसीलिए ही मुद्दा उठाया ताकि
जो अन्याय हमारे प्रदेश में हो रहा है उसके खिलाफ हम हल्ला बोल सके, जो सिस्टम बिगड़ चुका है उस सिस्टम को सुधारा जा सके। हल्ला बोल के खास कार्यक्रम इतना ही, लेकिन खबरों का सफर जारी रहेगा।